या निकल चुके हैं अभी हम मुंबई से, और डेस्टिनेशन टॉप सीक्रेट, जो हम बाद में बताएंगे। हाय फूड, मैं बिल्कुल ही प्रिपेयर नहीं था इतने स्वादिष्ट इन फ्लाइट हॉट मील के लिए। अच्छी सैंडविच, चिली पनीर और डेजर्ट में तिरामिसू, यम यम। हम आ गए दिल्ली। ओह माय गॉड, यार आते ही फॉग एकदम साफ साफ, वेदर में डिफरेंस, तापमान 40 डिग्री। लेट्स सी हाउ थिंग्स एंड अप। गर्मी तो भर भर के। अरे पहुंच तो गया हूँ मैं यहाँ पे, बट पीछे पतली सी रास्ता रास्ता दिखा, यहाँ से आए हैं हम, और ये साइड भी पीछे वही आला था। चलिए वहाँ आगे भी दिखा देता हूँ। वहाँ शायद कोई तो कैनाल या नदी है। बज रहे हैं सुबह के 6:30। व्यू अच्छी है, हवा अच्छा है, सब बढ़िया, बट मैं बिना सिम कार्ड के और बिना मैप डाउनलोड करे आ गया यहाँ पे। और यहाँ से कहाँ जाऊँ पता नहीं, देखता। लोकेशन तो यही बता रहा, मेरा होटल कहाँ पे है वो भी देखा जाएगा। जगह तो बढ़िया है यार। चलो अगर पहुंच गया तो फिर ये भी अपलोड हो ही जाएगा। तब तक के लिए बाय बाय। ये मैं आ गया हूँ अपने रूम में। सुबह से बारिश का माहौल बना रखा था, अभी थोड़ी देर के लिए धूप निकली है, देख लीजिए। ये सामने कोई तो नदी या फिर कैनाल है, उसकी फेंसिंग बन रही है शायद, तो बंद कर रखा है। वहाँ ऊपर से आप देख सकते हैं। अभी बाहर निकलूँगा तो पता चलेगा आसपास कौन कौन से बिल्डिंग है क्या है। आके नींद और खाना दोनों की कमी पूरी हो गई। अभी धूप पे निकल गया तो मैं भी निकलता हूँ बाहर थोड़ी देर में। होटल से निकल पड़ा हूँ मैं सिम कार्ड की खोज में। लकीली होटल सिटी सेंटर में मिल गया, सोचा हूँ चल के एक बार देख ही लूँ कि आसपास क्या ही है। लेफ्ट साइड में इनका सेंट्रल स्टेशन है, वहाँ पर सब लगे मेट्रो और लॉन्ग डिस्टेंस ट्रेन सब कुछ वहीं से निकल रही है। एंड उसी का कुछ रिनोवेशन चल रहा है जिसके कारण मुझे कंस्ट्रक्शन लगा पड़ा है। देखते हैं सिम कार्ड मिलता है कि नहीं। अब मिल चुका है हमें सिम कार्ड। अब यार मैं वो पिन लाना साथ में भूल गया था, फिर से जाऊंगा रूम में।
और इसको वापस रिटर्न आना के बिना ना गूगल ट्रांसलेट ना कुछ सब कुछ रशियन कुछ आर्किटेक्चर है बहुत ही बढ़िया देखता हूँ क्या हाल था वो पीछे वो रहा मेरा बिल्डिंग वही जाना पूरा कंस्ट्रक्शन जी बढ़िया रहा वो वाले बिल से चल के जाने का सोचा हवा यार मत बोल काफ़ी बढ़िया वो तो है 4:50 धूप अभी काफ़ी निकली हुई है मॉस्को में इस हफ्ते बारिश का मौसम आ गया कहीं से तूफान आने लगा शायद इससे बारिश पड़ रही है नहीं तो सनसेट आई गेस 9 to 10 काफ़ी टाइम तक रहता सनसेट को धीरे धीरे होता है सुबह चलता हूँ ना वहाँ से उधर क्या पीछे वो बिल्डिंग देख रहे हैं वो मैं बैक कैम में फिर से जूम करके डार्क कर देता हूँ वो बनाया गया था रशिया में जब कोल्ड वॉर चल रहा था रशिया और यूएस के बीच में और यूएस ने जब एम्पायर स्टेट बिल्डिंग बना ली थी तब ऐसी 7 बिल्डिंगें नदी के किनारों पर बनाई गई हैं ये दिखाने के लिए कि रशिया पीछे नहीं है रशिया यूएस से स्काईस्क्रैपर्स और मॉडर्नाइजेशन में भी आ गए ये दर्शाने के लिए ऐसी बिल्डिंगें बनाई गई थी नहीं कहते स्टालिन टावर्स और जो ऊपर स्टार है तो वो उन्हीं को रिप्रेजेंट करने के लिए बनाया गया वो वहाँ पीछे वही टावर है जिनकी मैं बात कर रहा था फिर से मैंने आपको ये बायनोकुलर्स दिखाना चाहता हूँ इन्होंने जगह जगह ऐसी बायनोकुलर्स लगा रखी है सीधा उस टावर को देखने के लिए दोस्तों जो मैं पहले स्टालिन टावर बता रहा था इनका ऑफिशियल नाम है 7 Sisters ऐसी 7 बिल्डिंगें बनाई गई हैं चारों मॉस्को के हर जगह तो भाई ये सब स्टालिनिस्ट आर्किटेक्चर के कंस्ट्रक्शन में है तो इसलिए इनको लोग कभी कभी स्टालिन टावर भी बोल देते हैं तो इनको देखने के लिए ऐसे लगी मैं कैमरे से मुझे नहीं लगता कुछ दिखेगा बट बोलिए थोड़ी सी टाइट है या फिर मैं कमज़ोर हो गया हूँ बिना खाए यहाँ से आप देखेंगे तो आपको टॉप से लेके नीचे तक पूरा विदाउट हैसल आप देख सकते हैं तो जब भी आप अगर आएंगे तो ट्राई ज़रूर करिएगा पीछे भाई जो बोट ट्रिप है उसकी बोटें जा रही हैं तो ये टावर सिग्निफिकेंस थी कि रशिया भी मॉडर्न हो सकता है वो भी स्काई स्क्रैपर्स में बिल्कुल पीछे नहीं रहेगा यूएस से तो यही था आगे चलते हैं देखते हैं और क्या क्या मिलेगा ये रहा आपका मॉन्यूमेंट ऑफ व्लादिमीर द ग्रेट लग तो वही रहा है मैप के हिसाब से एक बार पास जाके देख लेते हैं ये स्टैच्यू जिस इंसान पे आधारित है वो डेफिनेटली पुतिन तो नहीं है बट आपको पता ही होगा कि व्लादिमीर एक बहुत ही कॉमन रशियन नेम है कुछ बहुत रशियन मेल्स के नाम आपने व्लादिमीर सुने रहे हैं एंड उसका एक की रीज़न
यही इंसान जिनके बेस ये मॉन्यूमेंट है व्लादिमीर द ग्रेट, जो एक एम्परर थे कीविन रूस के अराउंड 970 टू 980 एडी के अराउंड का रेन स्टार्ट हुआ। एंड आप सही पहचान रहे कि कीविन रूस का कैपिटल कीव, जो करेंट डे यूक्रेन में है, वहीं पे था। तो इनका रेन स्टार्ट हुआ कीव से एंड वो एक क्रूशियल एम्परर बने रशियन पैट्रियार्क, रशियन पैट्रियटिज्म में। एंड इनको इसका भी क्रेडिट दिया जाता है कि इन्हीं ने ऑर्थोडॉक्स क्रिश्चियनिटी रशियंस में लाई है। तो अभी मॉस्कोवाइट्स में काफ़ी कॉन्फ्लिक्टिंग व्यू है कि इनका स्टैचू यहाँ पे होना चाहिए या नहीं, ड्यू टू द पर्सनल पॉलिटिकल रीजंस। लेकिन मैं तो यही देख के खुश हूँ कि एक बहुत ही ब्यूटीफुल आर्ट वर्क है ये। और यहाँ पे आप विस्तार से देख सकते हैं, एक दो तीन चार पाँच छ और सातवां मिल नहीं रहा। तो यही है वो सेवन सिस्टर्स, बट अभी हमें सर्कल के अंदर ही देखेंगे। लिखा है 15 मिनट्स वॉक ये पूरे जगह के लिए। क्रेमलिन, सेंट बेसिल्स कैथेड्रल, एक पार्क, इस पार्क के एडजेसेंट ही वो फ्लाइंग ब्रिज है, क्राइस्ट द सेवियर कैथेड्रल, त्रेत्यकोव गैलरी। ये शायद वही जगह है जो सुबह मुझे होटल में बताया जा रहा था ब्रेकफास्ट के टाइम। ये पूरी चीज़ें देखने, यू आर बेसिल्स कैथेड्रल चर्च, मैं अभी हूँ रेस्ट करने और यहाँ पीछे